जय श्री कृष्णा बच्चों। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में आपको मोशनल ईमेम बताया था वो कितनी होती है, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब मोशनल ईमेम से जुड़े हुए कोई खास वैरायटी के सवाल आते हैं, विशेष प्रकार के, विचित्र प्रकार के सवाल होते हैं हम कहेंगे। ये सवाल मैं आपको एक बार, एक वैरायटी के सवाल है, इसे चार पांच दस सवाल बनते हैं जिनके अंदर हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सवाल ये है कि ये समझ लीजिए कि कोई हॉरिजॉन्टल रेल्स है, जैसे रेल की पटरियां नहीं होती है, रेल की पटरियां हैं तो ये हॉरिजॉन्टल रेल्स हैं, कंडक्टिंग हैं, जैसे रेल की पटरियां कंडक्टिंग होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, रेल की पटरियां भी फिक्स होती हैं, फ्रिक्शन थोड़ा बहुत होता है, हम इसको स्मूथ मान लेते हैं, और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, जैसे वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड भी है, इस बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और यहां पर एक रॉड है जिसकी लंबाई एल है, रेल्स के बारे में मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, लिखे द रेल्स आर फिक्स्ड कंडक्टिंग, द रेल्स आर फिक्स्ड कंडक्टिंग हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एंड स्मूथ। जो रेल्स हैं ये फिक्स्ड हैं, कंडक्टिंग है, हॉरिजॉन्टल है, स्मूथ है। ये रॉड आपको दिख रही है और इस रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट से हम मूव करा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है द रॉड इज मूव्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, द रॉड इज मूव्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, द रॉड इज मूव्ड विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, फाइंड द करंट इन द रॉड। द रेल्स आर फिक्स्ड कंडक्टिंग हॉरिजॉन्टल एंड स्मूथ, द रॉड इज मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी नॉट, रॉड की वेलोसिटी वी नॉट दही रखी दिख रही है आपको, फाइंड द करंट इन द रॉड। तो अब इसके अंदर जैसे पहला सवाल तो ये बनता है कि भाई इसमें करंट बताओ, तो जब हम इसको ले जाएंगे, एल लंबाई की रॉड है और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड वी है, तो इसके अंदर जो ई एम एफ पैदा होगा दैट ई एम एफ विल बी इक्वल टू बी एल वी नॉट। देखें लंबाई इधर है, वेलोसिटी इधर है, फील्ड अंदर की तरफ है, तीनों परपेंडिकुलर है, तो जो इंड्यूस्ड ई एम एफ आएगा बी एल वी नॉट, जो इंड्यूस्ड ई एम एफ पैदा होगा उसका प्लस हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि वी इधर है, बी इधर है, तो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन इधर आएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो इसका जो बैटरी टाइप की बनेगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी, ठीक है। अब इस बैटरी का ई एम एफ ई के बराबर है और बाकी इसके अंदर कहीं कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, हाँ ये रेजिस्टेंस आर मान लेता हूं मैं, ये रेजिस्टेंस आर मान लेता हूं मैं, तो अब इसको मैं एक बैटरी जिसकी तरह ट्रीट कर सकता हूं, एक बैटरी है जिसका ई एम एफ ई के बराबर है, रेजिस्टेंस आर के बराबर है, तो सीधे सीधे मैं बोल सकता हूं जो करंट आई आएगा वो ई अपॉन आर हो जाएगा और ई की वैल्यू कितनी आ गई बी एल वी अपॉन आर। ये इसका पहला क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा इसके अंदर आता है कि दूसरा क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, इसी सवाल का दूसरा पार्ट है, फाइंड फोर्स अप्लाइड सो दैट, फाइंड फोर्स अप्लाइड सो दैट रॉड मूव्स विद, फाइंड फोर्स अप्लाइड सो दैट रॉड मूव्स विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। मैं रॉड को अगर हमें कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो हमें इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ये पता लगाना है हमें। तो अगर रॉड को मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना चाहता हूं तो कितना मुझे इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ये देखिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा भाई। जैसे रॉड के अंदर करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई फ्लो कर रहा है, तो अगर आई करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है तो अब ये जो कंडक्टिंग रॉड है अगर इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो आई बी एल लगेगा, आई बी एल साइन थीटा होता है, थीटा 90 हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अब मैग्नेटिक फोर्स इस पर किधर लगता है, एल क्रॉस बी के डायरेक्शन में लगता है, वेक्टर एल इधर है बी इधर है, तो मैग्नेटिक फोर्स इस पर इधर लग रहा होगा। अब मैग्नेटिक इधर लग रहा है तो मुझे जो लगाना पड़ेगा वो आगे की तरफ लगाना पड़ेगा भाई, मुझे जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो आगे की तरफ लगाना पड़ेगा, तो एफ जो है वो एफ एम के बराबर आ जाएगा, क्योंकि रॉड को मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना चाहता हूं तो जितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स मुझे भी लगाना पड़ेगा, तो जो मेरा फोर्स होगा वो एफ एम के बराबर हो जाएगा, तो अब एफ की वैल्यू हो जाएगी एफ एम और एफ एम जो हो जाएगा वो आई बी एल हो जाएगा।
आई बी एल, आई की जगह जो आएगा आई, आई आ जाएगा बी एल बी अपॉन आर इंटू बी एल, तो ये बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी अपॉन आर, ये फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, जो फोर्स लगेगा आई बी एल साइन थीटा होता है, थीटा 90 हो जाएगा, तो ये फोर्स हो जाएगा आई बी एल के बराबर, और आई की जगह हम बी एल बी अपॉन आर लिख देंगे तो ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी अपॉन आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। इसी के अंदर एक और क्वेश्चन बनता है, अगला क्वेश्चन इसी के नीचे में लिख रहा हूं, फाइंड पावर सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल फोर्स एंड द पावर सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कितना पावर सप्लाई करेगा, तो हम ये जानते हैं जो भी एक फोर्स होता है, जो पावर होता है एफ डॉट वी होता है, आप ध्यान से देखें तो जैसे फोर्स इधर लग रहा है और इधर ही वेलोसिटी भी है इसकी, तो एफ इंटू वी इंटू कॉस जीरो वन हो जाएगा, तो इस एक्सटर्नल फोर्स का जो पावर आएगा वो आ जाएगा एफ नॉट इंटू वी इंटू कॉस जीरो, हो जाएगा एफ नॉट इंटू वी, ठीक है, सॉरी एफ इंटू वी नॉट, वेलोसिटी वी नॉट थी ना, वेलोसिटी हर जगह वी नॉट रखी गई, तो यहां भी वी नॉट कर देता हूं मैं, वेलोसिटी वी नॉट बोला है, चलो भाई यहां वी नॉट कर देता हूं ना, कंफ्यूजन ना रहे कोई, ये हो जाएगा, तो ये एफ इंटू वी नॉट हो जाएगा, कॉस जीरो वन हो गया, एफ की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, वी स्क्वायर एल स्क्वायर स्क्वायर अपॉन आर, ये पावर सप्लाई हो जाएगा। इसी के अंदर एक और सवाल बनता है, ऐसे छोटे छोटे सवाल इसके अंदर बनते हैं, एक सवाल इसके अंदर बनता है, फाइंड रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन, फाइंड रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इन रजिस्टर, रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन रजिस्टर, रजिस्टर के अंदर हीट प्रोडक्शन का रेट बताओ, तो अगर मुझे रजिस्टर के अंदर हीट प्रोडक्शन का रेट बताना है तो रजिस्टर के अंदर जो हीट प्रोडक्शन का रेट होता है जिसे हम लोग डीएच अपॉन डीटी बोलते हैं, आपको याद ही होगा करंट चैप्टर में पढ़ाया था मैंने, आई स्क्वायर आर होता है, तो रजिस्टर के अंदर जो भी रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन होता है वो आई स्क्वायर आर होता है, आई की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, इसी का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आई स्क्वायर यानी वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक आर और है, ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर, रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन हो जाएगा। अब इसके अंदर एक समझने वाली बात यह है जो आप लोग समझेंगे, थोड़ा ध्यान से देखें, तो जो एक्सटर्नल एजेंट ने पावर सप्लाई किया था और जो हीट पैदा हो रही है पर सेकेंड वो सेम आ रही है, अब ये बताओ कि ऐसा बाई चांस हो रहा है या ऐसा हमेशा होगा, ऐसा बाई चांस नहीं हो रहा, ऐसा हमेशा होगा, क्योंकि जो भी आप एनर्जी सब मैग्नेटिक फील्ड को एनर्जी स्टोर तो कर नहीं रही है, तो जो भी आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो इसको, जितनी पर सेकंड एनर्जी दे रहे हो सारी की सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जा रही है। भाई अगर आप एनर्जी देते हो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती तो इसका मतलब जो एनर्जी दिया वो इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट, लेकिन ये तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो जो हाइट इसकी बढ़ नहीं रही है, पोटेंशियल एनर्जी में कोई फर्क नहीं आया, तो जो भी आप एनर्जी दे रहे हो सबकी सब हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जा रही है, तो जो भी पावर सप्लाइड है और जो हीट डिसिपेटेड है दोनों सेम आ जाएंगे। देखो एक और सवाल लाया हूं तुम्हारे लिए मैं, सेम वही पिछले क्वेश्चन का डेटा है कि ये जो रेल्स हैं ये हॉरिजॉन्टल हैं, जैसे रेल की पटरियां होती हैं तो रेल्स हॉरिजॉन्टल हैं, स्मूथ है, कंडक्टिंग है, पैरेलल हैं, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, रेजिस्टेंस है आर और जो रॉड है उसकी लंबाई एल के बराबर है और रॉड की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। हम अब क्या कर रहे हैं कि एक इसके ऊपर टी बराबर जीरो पर, मतलब टी बराबर जीरो मतलब टी इज इक्वल टू जीरो मतलब इनिशियली इसके ऊपर एक फोर्स एफ नॉट लगा रहे हैं, ठीक है, और ये फोर्स कॉन्स्टेंट है, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं एक कॉन्स्टेंट फोर्स, एक कॉन्स्टेंट फोर्स एफ नॉट इज अप्लाइड as shown, a constant force F naught is applied as shown, find the speed after time small t, applied as shown, ठीक है, constant force F naught is applied as shown, find the speed after time t, time t के बाद हम आपको स्पीड बतानी है, टी टाइम के बाद स्पीड की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है, कॉन्स्टेंट फोर्स एफ नॉट इज अप्लाइड एज शोन, फाइंड द स्पीड
आफ्टर टाइम टी। अब टी समय के बाद अगर आपको स्पीड निकालनी है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें, और इस रॉड का मास एम के बराबर दिया है, 5 मिनट का समय लीजिए, आप पूरी तबीयत से इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद आरएस का सॉल्यूशन देखिए। मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि जब मैं इसको खींचूंगा आगे की तरफ तो ये रॉड आगे की तरफ बढ़ेगी, और मैंने मान लिया एफ नॉट तो इसमें लग ही लग रहा है, वो तो लग ही रहा है, कुछ समय के बाद इसकी वेलोसिटी वी हो गई, कुछ समय के बाद इसकी वेलोसिटी वी हो गई, तो अब इस रॉड के अंदर एक ईएमएफ पैदा होगा, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू सभी लोग जानते हैं कि बीएलवी के बराबर होगी, और उसकी वजह से इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो भी मैं जानता हूं कि बीएलवी अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। भाई ये जो ईएमएफ है वो इसके अंदर एक क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराएगा और वो बीएलवी अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। अब इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा, ये जो करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, उस करंट के कारण इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा आई एल क्रॉस बी। आई इधर है, मतलब वेक्टर एल आई के डायरेक्शन में होता है, एल इधर हो गया, बी इधर हो गया, एल क्रॉस बी पीछे की तरफ हो गया, तो एक इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग गया, मैं उसको एफ एम मान लेता हूं। तो अब देखें भाई, इस पे एफ नॉट आगे की तरफ, एफ एम पीछे की तरफ, न्यूटन्स लॉ इसके ऊपर, इस पे यहां भी वैलिड है, एफ नॉट माइनस एफ एम, ये नेट फोर्स हो गया, ये बराबर होगा मास इंटू इसका एक्सेलेरेशन, इसका एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, डीवी अपॉन डीटी। अब कुल मिला के इस एफ एम की वैल्यू मैं रखूंगा, और एफ एम की वैल्यू रखने के बाद फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो देखो अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, देखना जरा, एफ एम एफ नॉट माइनस एफ एम, एफ एम की जगह हो जाएगा आई बी एल आई बी एल, और आई की जगह हो जाएगा बी एल बी, ये जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। एफ एम जो होगा वो आई बी एल हो जाएगा, आई बी एल, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, ये एफ एम हो गया, ये बराबर जाएगा एम डी वी बाई डी टी, ये हो जाएगा। अब मैं इसको इंटीग्रेट करने जा रहा हूं, सॉल्व करूंगा इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो एफ नॉट इंटू आर इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ नॉट इंटू आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी, एफ नॉट इंटू आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी इज इक्वल टू एम आर इंटू डीबी अपॉन डी टी, यह आ जाएगा। अब ये डीबी अपॉन डी टी जो है, डीबी अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू जो आएगी ये आ जाएगी एफ नॉट इंटू आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डीबी अपॉन डी टी जो आएगा ये बराबर हो जाएगा एफ नॉट आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एम आर, ये हो जाएगा एफ नॉट आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एम आर। अभी मैं इसको और आगे बढ़ाता हूं तो ये आ जाएगा डी वी अपॉन एफ नॉट आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी इज इक्वल टू डी टी अपॉन एम आर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वी अपॉन एफ नॉट आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी इज इक्वल टू डी टी अपॉन आर हो जाएगा। अब हम अगर इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो चलो इंटीग्रेट करें इसे, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं, थोड़ा सा हल्का सा एक बात याद दिलाना चाह रहा हूं, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी जो होता है, इसको आप याद भी कर लें, होता है 1 अपॉन ए एल एन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, खैर जब हम लिमिट रखेंगे तो कांस्टेंट नहीं आता है, मतलब इंटीग्रल डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी जो होता है वो 1 अपॉन ए एल एन ए एक्स प्लस बी के बराबर होता है। ये एक चीज मैं आपको याद इसलिए दिलाना चाह रहा हूं, इसकी यहां जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ये जाएगा जीरो से टी और वेलोसिटी जीरो से बी जाएगी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे बी की जगह एक्स कर दे, तो इंटीग्रल डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी अगर हम करेंगे तो ये सॉल्व करने पाएगा माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर एल एन ऑफ एफ नॉट आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी, ये आ जाएगा, और हम इसको सॉल्व करेंगे जीरो टू वी, ये हो जाएगा टी अपॉन एम आर, इसके बराबर हो जाएगा। इस बी स्क्वायर एल स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, ठीक है, ये जो बी स्क्वायर एल स्क्वायर इसको इधर ले जाएंगे, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे एल एन ऑफ, यहां थोड़ी जगह ज्यादा है। अब जब भी हम इंटीग्रेशन विद लिमिट करते हैं तो इंटीग्रेशन विद लिमिट में क्या रहता है कि पहले एक बार अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस साइन लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो ये हो जाएगा एल एन ऑफ एफ नॉट आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन,
फिर यहाँ एक बार v की जगह जीरो करेंगे तो अपॉन एफ नॉट आर हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ b स्क्वायर l स्क्वायर टी अपॉन एम आर याद आएगा। फिर इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, बड़ा सा इंटीग्रेशन है क्या, वो तो करना ही पड़ेगा हमें, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एम आर इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर ये हो जाएगा। फिर इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे तो v की जो वैल्यू आएगी v ये बराबर हो जाएगा एम आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर v की वैल्यू आने वाली है इंटू वन माइनस ई टू दी पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन यह आ जाएगा। और आप मैच कराना चाहें तो आसानी से मैच करा भी सकते हैं, टी बराबर जीरो पे वेलोसिटी जीरो आनी चाहिए तो टी बराबर जीरो करोगे तो ई टू द पावर जीरो वन हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो टी बराबर जीरो पे जो वेलोसिटी आएगी वो जीरो के बराबर जाएगी। टी बराबर इन्फिनिटी पे क्या होगा, टी बराबर इन्फिनिटी अगर कर दोगे तो ई टू दी मतलब लंबे समय के बाद ये टी जब इन्फाइनाइट हो जाएगा तो ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा तो ये इतना आ जाएगा वी। अच्छा एफ नॉट भी तो कहीं रहेगा यार, एफ नॉट आर कहां लिखा था, एक मिनट बी स्क्वायर एक मिनट, यहां यहां एम आर नहीं हुआ, यहां एफ नॉट आर होगा, सॉरी एफ नॉट आर होगा और यहां भी एफ नॉट आर ही रहेगा, ये एफ नॉट आर ही रहेगा तो ये पर हाँ यहां पर माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर एफ नॉट आर आएगा यहां पे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। टी बराबर इन्फिनिटी पे मैं बता रहा था जहां से मैंने ये नोटिस करा तो टी बराबर इन्फिनिटी वी टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो तो जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। फिर से वही सवाल, वही इनफाइनाइट रेल्स हैं, कंडक्टिंग है, पैरेलल है, स्मूथ है, फिक्स्ड है, फलाना है, ढिमका है, मतलब वही सेम क्वेश्चन है, बस उसी क्वेश्चन के अंदर हम लोग एक्सटेंशन करने जा रहे हैं। इस बार हमने जैसे रजिस्टर लगाया था तो कैपेसिटर लगा दिया, अब एक कैपेसिटर लगा दिया और कैपेसिटर लगा के इसको वी नॉट वेलोसिटी को देखे हमने छोड़ दिया, ठीक है। क्वेश्चन में लिख रहा हूं रॉड इज लेट फ्री बाय अप्लाइंग रॉड इज लेट फ्री बाय गिविंग इट अ वेलोसिटी v not, rod is let free by giving it a velocity v not, find the speed of the rod after time small t, t बराबर जीरो पे velocity इसकी v नॉट है, एकदम शुरुआत में वेलोसिटी v नॉट है और उसके बाद हमने क्या किया कि v नॉट वेलोसिटी देखो इसको छोड़ दिया, v नॉट वेलोसिटी देखे छोड़ दिया तो आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि इसकी t समय के बाद वेलोसिटी बताइए। तो कोई बात नहीं, हमें t समय के बाद वेलोसिटी नहीं पता है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि t समय के बाद इसकी वेलोसिटी v है। तीन मिनट का समय आप लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर आर एस सर का सोल्यूशन देखेंगे। तो t समय के बाद मैंने इसकी वेलोसिटी भी मान ली, मैंने एज्यूम कर लिया कि टी समय के बाद इसकी वेलोसिटी वी के बराबर है। अब टी समय के बाद अगर इसकी वेलोसिटी वी के बराबर है तो उस कंडीशन में जैसे टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी वी है तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ई, वो बीएलवी के बराबर होगा। अब इस कैपेसिटर जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर बीएलवी के बराबर है तो कैपेसिटर किसी भी कैपेसिटर का चार्ज जो होता है वो होता है सीवी। तो अब इस कैपेसिटर का जो चार्ज हो जाएगा, मान लेते हैं पॉजिटिव प्लेट पे क्यू है, नेगेटिव प्लेट पे माइनस क्यू है, तो इस कैपेसिटर का चार्ज होगा सी इंटू वी और वी जो है इसके क्रॉस जो ड्रॉप आ रहा है वो बीएलवी के बराबर आ रहा है तो सी इंटू बीएलवी, ये इस पे चार्ज आ जाएगा, चार्ज क्यू जो आएगा वो सी इंटू बीएलवी के बराबर आ जाएगा, ये चार्ज की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो किसी को होगा नहीं, तो चार्ज क्यू इज इक्वल टू सी इंटू बीएलवी,
ये चार्ज की वैल्यू आ गई। अब इस सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करेगा आई वो डी क्यू अपॉन डी टी के बराबर फ्लो करेगा। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, जो भी करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा तो डी क्यू अपॉन डी टी होगा, डिफ्रेंशिएट करूं तो सी बी एल तो कॉन्स्टेंट रहेगा, ये डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा, सी बी एल इंटू डी वी अपॉन डी टी। ये सर्किट से गुजरने वाला करंट होगा। अब इस सर्किट से अगर करंट गुजरेगा तो इस पे फोर्स भी लगेगा आई बी एल के बराबर। अब इस रॉड के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो पीछे की तरफ है, तो मैं इसको माइनस बोल दूंगा, माइनस एफ एम इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। माइनस एफ एम जो आएगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एफ एम की जो वैल्यू आ रही है, जो फोर्स आ रहा है, ये बराबर आ जाएगा आई आई बी एल जाएगा एम डीवी अपॉन डी टी। आई बी एल आई की जगह मैं लिखूंगा सी बी एल डीवी अपॉन डी टी, तो जाएगा सी माइनस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर डीवी अपॉन डी टी। आई की जगह हमने सी बी एल डी अपॉन डी टी लिखा, बी एल यहां पहले से था, तो बी स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल जाएगा एम डीवी अपॉन डी टी। डीवी अपॉन डी टी दोनों एक साइड में ले लेता हूं, ये जाएगा डीवी अपॉन डी टी एम प्लस सी बी स्क्वायर एंड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखें तो डीवी अपॉन डी ये चीज जो है, ये वाली चीज, ये जीरो नहीं हो सकती, मास पॉजिटिव नंबर रहेगा, सी भी पॉजिटिव है, ये स्क्वायर ये सब पॉजिटिव रहेगा, तो ये चीज जीरो नहीं हो सकती। अब इन दोनों का प्रोडक्ट डीवी अपॉन डी टी और ये जो है इसका प्रोडक्ट जीरो है, ये चीज जीरो नहीं हो सकती, तो डीवी अपॉन डी टी ही जीरो आएगा। डीवी अपॉन डी टी जीरो आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, अगर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो जो शुरू में है वही आखिर में भी रहेगी, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि आप ध्यान से अगर देखें तो जैसे कुछ समय बाद, मुझे तो पहले से नहीं पता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है वेरिएबल, तो मैंने कुछ समय बाद इसकी वेलोसिटी भी मान ली, तो इसके अंदर जो इंड्यूस डीएमएफ आएगा वो बीएलबी के बराबर आ जाएगा, जो भी इंड्यूस डीएमएफ होगा। अब इंड्यूस डीएमएफ अगर बीएलबी के बराबर होगा तो इसके अंदर जो करंट चार्ज जो आएगा वो सीवी के बराबर होता है, जो ड्रॉप आया वो बीएलबी आ गया, तो चार्ज इस पे सीबीएलबी हो गया। करंट डीक्यू अपॉन डीटी होता है तो सीबीएल डीवी अपॉन डीटी हो गया। अब करंट इसमें पता चल गया तो इसमें फोर्स आईबीएल लगेगा, तो जो भी फोर्स लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा, तो ये बराबर हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। इसके जगह हम आई की जगह सीबीएल डीवी बाई डीटी कर दिए और डीवी बाई डीटी एक साथ ले आए, तो ये चीज जीरो आ गई। ये अब ये वाला टर्म जीरो नहीं हो सकता, तो डीवी अपॉन डीटी जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी इसकी वी नॉट के बराबर आ जाएगी। ये सवाल देखो, सेम वही है, कंडक्टिंग रॉड है, स्मूथ है, हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल है, फिक्स्ड है, जैसी रेल की पटरियां होती हैं वैसी ही है। मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी के बराबर है, ये रॉड की लंबाई एल के बराबर है, ये रेजिस्टेंस आर है, कैपेसिटेंस सी है। ठीक है, मतलब इस बार हमने पहले रजिस्टर अलग लगाया, कैपेसिटर अलग लगाया, इस बार आर और सी को एक साथ लगा दिया हमने, और अब हमने क्या किया कि इसको वी नॉट वेलोसिटी देके हमने छोड़ दिया। ठीक है, वी नॉट वेलोसिटी देके हमने छोड़ दिया। क्वेश्चन में लिख रहा हूं, रॉड इज रिलीज्ड आफ्टर इट इज गिवन स्पीड V नॉट। रॉड इज रिलीज आफ्टर इट इज गिवन स्पीड V नॉट, फाइंड द करंट इन द सर्किट, फाइंड द करंट इन द सर्किट आफ्टर टाइम स्मॉल t। बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया वाला सवाल है, बेहतर से भी बेहतर सवाल है। मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, 5 मिनट का आप पॉज लेके इस तबियत से इस क्वेश्चन को 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट लेके भी कर सकते हैं, और फिर उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखेंगे। तो इसमें रॉड को हमने वी नॉट वेलोसिटी देके छोड़ दिया, तो अब ये वी नॉट स्पीड से तो जाएगा नहीं, धीरे धीरे करके इसका स्पीड बदलेगा, तो आपको यही बताना है कि टी टाइम के बाद इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। तो टी टाइम के बाद मैं ये मान लेता हूं कि इस रॉड के अंदर जो वेलोसिटी है वो वी हो चुकी है, इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ई, उसकी वैल्यू बीएलबी के बराबर होगी, जो भी इंड्यूस ईएमएफ आएगा उसकी वैल्यू बीएलबी के बराबर होगी। इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होगा आई,
वो बी एल बी अपॉन आर के बराबर होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा आपको, पिछले कई सारे सवालों में हो चुका है। इस करंट के कारण इस पर एक फोर्स लगेगा और जो फोर्स होगा वो पीछे की तरफ लगेगा और वो फोर्स आएगा माइनस आईबीएल। आईबीएल फोर्स होता है लेकिन पीछे की तरफ लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, तो हो जाएगा माइनस आईबीएल, ये फोर्स हो जाएगा और ये बराबर होगा इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, अब माइनस आईबीएल तो फोर्स आ गया लेकिन अब हमें आई की वैल्यू तो नहीं पता है। ठीक है, आई कितना होगा, ये आई जो है वो बी एल बी अपन आर के बराबर नहीं होगा क्योंकि इस बार सिर्फ आर नहीं है, रेजिस्टर नहीं, सिर्फ कैपेसिटर ही है, तो जो भी करंट इसमें फ्लो कर रहा है खैर वो आई है, तो माइनस आई बी एल इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। अब मैं आई की वैल्यू निकालता हूं, देखें भाई जैसे करंट ऐसे जा रहा है, इस तरह से करंट जा रहा है, तो यहां से यहां तक प्लस माइनस, फिर यहां चार्ज क्यों मान लिया, यहां माइनस क्यों, इस पूरे लूप पे ये जो बड़ा आपको लूप दिख रहा है इसमें मैं केवीएल लगाता हूं, यहां से यहां तक जाऊंगा तो ई में ई बढ़ जाएगा, फिर यहां से यहां तक जाऊंगा तो आई आर घट जाएगा, फिर यहां से यहां तक जाऊंगा तो क्यू बाई सी घट जाएगा, ये जीरो के बराबर क्या चार्ज क्यू है तो यहां से यहां तक जाने पे क्यू बाई सी घट जाएगा। अब मैं सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने पर जो ई की वैल्यू आएगी ये होगा आई आर प्लस क्यू बाई सी, जो ई आएगा वो आई आर प्लस क्यू बाई सी के बराबर होगा। अब हम अगर ध्यान से देखें तो ई की वैल्यू बी एल बी है, ये आई आर है, क्यू बाई सी, संकट ही संकट है। संकट क्या है, तीन तीन तो वेरिएबल आ रहे हैं, तो वी वेरिएबल है, एक करंट वेरिएबल है, एक चार्ज वेरिएबल है, सब वेरिएबल है, तो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे मेहनत करेंगे ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, मैं इस रिलेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ही करना है, तो एक बार और कर देता हूं मैं डिफरेंशिएट, इसको मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो बी एल बी का डिफरेंशिएशन आएगा बी एल इंटू डी वी बाई डी टी, आई आर का आर आ जाएगा डी आई बाई डी टी, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो डी आर बाई डी आई बाई डी टी हो जाएगा और ये 1 बाई सी इंटू डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। मैंने डिफरेंशिएट किया क्यों, वेरिएबल कम करने के लिए, कैसे वेरिएबल कम होंगे ये सिखा रहा हूं मैं आपको। तो ये बी एल बी जो है बी एल डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू आर डी आई बाई डी टी, अब इसके अंदर देखें ये हो जाएगा बी एल डी बी अपॉन डी टी, यहां से आ जाएगा माइनस आई बी एल अपॉन एम, ये जो डी बी बाई डी टी हमें लिखा था ये माइनस आई बी एल अपॉन एम हो जाएगा, तो डी बी अपॉन डी टी हो गया माइनस आई बी एल अपॉन एम इज इक्वल टू आर डी आई बाई डी टी प्लस 1 बाई सी डी क्यू बाई डी टी आई हो गया। बेनिफिट जो मिला हमें वो बेनिफिट यही मिला हमें कि डी क्यू बाई डी टी आई हो गया तो एक वेरिएबल कम हो गया और डीवी बाई डी टी जो था उसको हमने आई के टर्म में लिख दिया, तो अब देखो यहां पे हर जगह आई ही आई है। अब हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे, आसानी से तो अभी भी नहीं कर पाएंगे लेकिन इंटीग्रेट कर पाएंगे, पहले तो इंटीग्रेट हो पाना ही मुश्किल आ रहा था। तो आर डी आई बाई डी टी की जो वैल्यू आएगी, इसको मैं इधर ले जाता हूं, आई कॉमन ले लेता हूं, हो जाएगा माइनस आई और ये आएगा 1 बाई सी प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम, 1 बाई सी प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम ये आ जाएगा सॉल्व करने पर। अब इसको सॉल्व किया जाए तो जैसे इसके अंदर ये था कि भाई जो इंड्यूस्ड ईएमएफ था वो इसके बराबर हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आई आर प्लस क्यू बाई सी, एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब उसके बाद यहां से उठा के हम आई की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो माइनस सॉरी डीवी अपॉन डी टी की वैल्यू पुट कर देंगे, ये इतना आ जाएगा। अब ये हो जाएगा, देखें ध्यान से देखें, तो माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर आई बाई एम आर डी आई बाई डी टी प्लस 1 बाई सी और डी क्यू बाई डी टी क्यू हो जाएगा आई हो जाएगा। तो ये सॉल्व करेंगे, इस चीज को मैंने के मान लिया, ये पूरा जो आई वाला टर्म था वो एक तरफ ले गए, तो इस चीज को मैंने के मान लिया, के मान लिया तो आर डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के आई हो जाएगा। ठीक है, अब हम आई को डी आई को इधर लाएंगे तो डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस के बाई आर इंटू डी टी, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा एल एन ऑफ आई ओवर आई नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन आर, जहां पर आई की वैल्यू आ जाएगी आई नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी अपॉन आर, जहां k की वैल्यू मुझे पता ही है, k जो है वो है 1 बाई सी प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम अपॉन आर, आई नॉट जो आएगा आई नॉट इनिशियल करंट होगा, ये आ जाएगा बी एल बी नॉट अपॉन आर,
आई नॉट होगा तो आई नॉट की वैल्यू रख देंगे, के की वैल्यू रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये टी टाइम के बाद करंट की वैल्यू आ जाएगी।